भक्ति की बड़ी खबर पुलिस भर्ती और अन्य भर्ती पर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़े बयान। उत्तर प्रदेश जनपद वाले आए दिन भारतीय जननायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस भर्ती आने वाली भर्तियों में सरकार के लिपापोती होती है। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार नियुक्तों को लेकर कभी नहीं है, कल पेपर लीक हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। घरेलू बाबा की धरती से समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी इस समय भर्तियाँ निकल रही हैं, पहले तो निकल नहीं रही हैं, अगर निकल भी रही हैं तो किसी न किसी तरह से वो कैंसिल हो जा रही हैं, कि तो पेपर लीक हो जा रहा है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ था। इसको एक तरह का धांधली या चोरी या बेईमानी कहा जा सकता है। जो पुलिस भर्ती निकली थी, परीक्षा हुआ, फिर पेपर लीक हो गया जी, चुनाव अवसर पर है, किस रूप में देखते हैं इसको? ये भर्तियाँ इसलिए निकाली जाती हैं कि अधिक से अधिक इसको भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाए और उस पैसे को अपने चुनाव में यूज किया जाए, और ये अधिकांश सरकारों की नीतियाँ रही हैं। इसमें कुछ ही सरकार जो है संपूर्ण भर्ती दे पाती हैं, नहीं तो हम जब से होश संभाले हैं देख रहे हैं कि चुनाव के समय भर्तियाँ तो निकलती हैं लेकिन उसे रद्द कर दिया जाता है और उस पैसे से अपने चुनाव को जीतने का अथक प्रयास करके चुनाव को जीत लिया जाता है, जो हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही दुखद है। आज देखिए, जो सरकार लॉलीपॉप के नाम पर लोगों को कहती थी कि ये सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है, वही सरकार लॉलीपॉप के नाम पर 5 किलो अनाज और 2000 रुपये के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सारे मुद्दों को तोप के रखी है, और हमारा समाज बस 5 किलो अनाज और 2000 रुपये पर इस तरह मस्त है कि उसे न बर्बादी दिख रही है, न तबाही दिख रही है, न संस्थानों का बिकने का कर्म दिख रहा है, न हमारे देश का अमंगल दिख रहा है। बस इन्हें यही दिख रहा है कि जो आईटी सेल के माध्यम से इतिहास हमारे बीच में पहुँचाया जा रहा है वही इतिहास सत्य है, बाकी सब गलत है। पता नहीं हमारे समाज के लोग कब जागेंगे, क्या हम फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं या हम विकास की तरफ जा रहे हैं, अभी तक हमें समझ में नहीं आया।